पीलीभीत जिले में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आसमान में सैकड़ों की संख्या में पतंगे उड़ते देखी जा सकती हैं। पतंग के साथ साथ शहर के विभिन्न जगहों पर चाइनीज मांझा की दुकान भी बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। यह वह चाइनीज मांझा है जो प्लास्टिक का होता है और खींचने से बढ़ता है मगर टूटता नहीं। इसे लगातार हाथ से भी देखे जा सकते हैं, जिसमें पक्षियों से लेकर व्यक्तियों तक गंभीर रूप से घायल होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इस चाइनीज मांझे से मौत भी हो जाती है, मगर पीलीभीत जिले का जिला प्रशासन इसके ऊपर कोई भी सूचना नहीं ली। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न जगह पर चाइनीज मांझा की दुकानें सजी हुई है और जमकर चाइनीज मांझा यहां पर बिक रहा है। पीलीभीत जनपद से हिकमत शाह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश शर्मा। महेश जी, यहाँ पतंग की दुकान पे आए हैं, पतंगे ले रहे हैं, मांझा ले रहे हैं, कौन सा मांझा पसंद है आपको? मैं अपना इंडियन मांझा पसंद है। ये चाइनीज मांझा में क्या होता है? चाइनीज मांझा हमने कभी यूज ही नहीं करा था। क्या नुकसान क्या होता है उससे? वो हार्मफुल है, चाइनीज है इसलिए इस्तेमाल ही नहीं करते हम तो, ना हमने कभी इस्तेमाल करा। हमारी तो बच्ची उड़ाएगी, बच्ची के हिसाब से है, क्या फायदा उसका।